अलकुम स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक ओवर के पास्ट पेपर के क्वेश्चन की और कॉन्सेप्ट के लिए सेपरेट लेक्चर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं इसके अलावा ये जो एक्सेल शीट जिसमें मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँगा ये एक्सेल शीट अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे जो है वो ज़ीरो थ्री फोर फाइव थ्री जीरो एट सिक्स थ्री वन टू पर व्हाट्सएप कर सकते हो मैं आप लोगों को ये एक्सेल की वर्किंग दे दूँगा ये सवाल ओवर से पटेन करता है ओवर के बेसिक लेक्चर्स अंडरस्टेंडिंग हम ऑप्टेन कर चुके हैं अलग वीडियो लेक्चर्स में या क्लास में इस सवाल का पर्पज़ है प्रैक्टिस करना तो आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में क्या लिखा हुआ है इस सवाल में लिखा हुआ है नाइट्रेट लिमिटेड एन एल ये कंपनी का नाम है नाइट्रेट लिमिटेड एन एल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैज थ्री प्रोडक्शन एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स हम जानते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स क्या हैं हम जानते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या हैं द एनअल ओवर हेड्स आर एस फॉलोज और इनके जो ओवर हेड्स हैं वो दिए हुए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए बी और सी तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है इनके हमें पर्टिकुलरली ओवर हेड्स बताए हुए दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एक्स और वाई इनके हमें पर्टिकुलरली ओवर हेड्स बताए हुए हैं हुआ है द सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट आर अपोर्शन एज फॉलो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इस तरह से अपोर्शन किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उसके ओवरेज में से 20 परसेंट ए में जाते चालीस परसेंट बी में जाते हैं 30 परसेंट सी में जाते हैं और 10 परसेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट यानी कि वाई में जाते हैं यानी कि ये कोई ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए तो काम करता है अलबत् दूसरे वाले सर्विस डिपार्टमेंट के लिए काम भी करता है मिसाल हो सकती है इसकी कि ये एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो कंपनी का एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो कंपनी की मेंटेनेंस करता है तो यह हर जगह की मेंटेनेंस करेगा फिर है सर्विस डिपार्टमेंट वाई सर्विस डिपार्टमेंट वाई ए के लिए भी काम करता है ए के लिए काम करता है बी के लिए काम करता है सी के लिए काम करता है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के लिए भी काम करता है मिसाल के तौर पर यह है कैंटीन अब कैंटीन में खाना खाने जो लोग आएंगे वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी तो आ सकते हैं तो ये एक ऐसा सवाल है ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है दोनों एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन केसेस में जब हम अपनी अपोर्शनमेंट की शीट बनाते हैं जो कि जिसके बेसिक मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं इस सवाल में देखते हैं क्या बोलता है इस सवाल में बोलता है अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग दी साइमेंटीनियस इक्वेजन्स मैथड सैमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एक तरीका है जिससे हम जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स की री करते हैं अलबत्त मैं इस सवाल की प्रैक्टिस के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यानी कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उससे तो करूँगा ही एक और मेथड होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आर डी एम रिपीटड डिस्ट्रीब्यूशन मैथड आर डी एम ये भी सवाल में आपसे पूछा जा सकता है तो मैं दोनों तरीक़ों से ये सवाल सॉल्व करूँगा अब सवाल कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं ए है बी है और सी है हमारे पास जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं एक्स और वाई है अच्छा जी ए के अपने ओवर हेड्स फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है बी के अपने ओवर हेड्स फिफ्टी थाउजेंड ठीक है सी के अपने ओवर हेड्स थर्टी एट थाउजेंड ठीक है एक्स uh, के अपने ओवर हेड्स सोलह हज़ार पाँच सौ ठीक है और वाई के अपने ओवर हेट्स दस हज़ार और छः सौ ठीक है ये हमें वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है पहले से ही दी हुई है ये वैल्यूज़ जो हैं ये प्रोवाइडेड है पहले से ही दी हुई है हमें जो ये वैल्यूज़ दी हुई है ये एलोकेटेड एंड अपोर्शन अमाउंट सा और हम क्या करते हैं हम इनकी री अपोर्शनमेंट करते हैं हम री अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स को हमें निल करना होता है और मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में उनकी अमाउंट को शामिल करना होता है सबसे पहले मैं इस सवाल को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ऐसा होगा कि लेट्स सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के 16,500 के ओवर हैं इधर से हम 16,500 माइनस करते हैं ताकि ये हो जाए नेल ठीक है ना ये नैल हो जाएगा सम इसका ज़ीरो हो रहा है यहाँ से 16,500 माइनस कर दिए अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने क्या कहा था मेरा बीस परसेंट ए में चालीस परसेंट बी में तीस परसेंट सी में और दस परसेंट वाई में जाएगा तो सोलह हज़ार पाँच सौ मल्टीप्लाइड बाई बीस परसेंट सोलह हजार पाँच सौ मल्टीप्लाइड बाई चालीस परसेंट सोलह हज़ार पाँच सौ मल्टीप्लाइड बाई तीस परसेंट सोलह हज़ार पाँच सौ मल्टीप्लाइड बाई दस परसेंट ऐसे मैंने दूसरे डिपार्टमेंट्स में इसको बांट दिया यानी कि सोलह हज़ार पाँच सौ का बीस परसेंट ए में चला गया चालीस परसेंट बी में चला गया तीस परसेंट सी में चला गया दस परसेंट वाई में चला गया और ये डिपार्टमेंट आप देखोगे कि नल हो गया अब दूसरा जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट था वो सर्विस डिपार्टमेंट हमारा था वाई <coughs> तो अब वाई को नल करना अच्छा वाई में दस और सोलह यानी कि टोटल वन का अमाउंट है तो अब यहाँ से हम वन माइनस करेंगे ठीक है इन दोनों का टोटल करते हैं तो वन बनता है यहां से अब हम वन माइनस करेंगे और ये वन दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाएगा तो पहले हमने रीअपोर्शनमेंट करी एक्स की अब हम रीअपोर्शनमेंट कर रहे हैं वाई की ठीक है भाई अब हम जब वाई की रीअपोर्शनमेंट करेंगे तो वन टू टू वन टू टू फाइव जीरो सर्विस डिपार्टमेंट वाई वाई ने क्या बोला था मेरा चालीस परसेंट ए में जाएगा तो आप इसका चालीस परसेंट ले लो ठीक है फिर वन का सर्विस डिपार्टमेंट वाई ने बोला था मेरा बीस परसेंट बी में जाएगा तो आप इसका बीस परसेंट इधर डाल दो फिर इससे बोला था मेरा बीस परसेंट सी में जाएगा तो अगेन वन टू टू फाइव जीरो का बीस परसेंट आप सी में डाल दो फिर उसके बाद इससे कहा कि मेरा बीस परसेंट एक्स में जाएगा तो आप वन टू टू फाइव जीरो का बीस परसेंट एक्स में डाल दो अब होता है ये यार इस मेथड में कि ये तो नहीं लो गया सही है लेकिन अगर आप एक्स देखोगे ना तो एक्स में आप दो हजार चार सौ पचास रुपये आ गए इसीलिए इसका नाम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है आप बार, बार 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 रिपीट करनी पड़ेगी सेम सेम काम रिपीट करना पड़ेगा यानी कि अब रियपोर्शनमेंट होगी एक्स की हम यहाँ से 2450 माइनस करेंगे हम यहाँ से 2450 माइनस करेंगे ताकि एक्स को जिसमें ये 2450 आ गया ये निल हो और क्या करेंगे जो एक्स ने कहा था एक्स ने कहा था मेरा बीस परसेंट ए में चालीस परसेंट बी में तीस परसेंट सी में और दस परसेंट वाई में जाएगा तो 2450 मल्टीप्लाइड बाई 20 परसेंट दो मल्टीप्लाइड बाई 40 परसेंट दो 2450 मल्टीप्लाइड बाई 30 परसेंट और 2450 मल्टीप्लाइड बाई 10 परसेंट अब क्या हुआ अब ये नेल हो गया लेकिन वाई में दो सौ पैंतालीस रुपये आ गए अब वाई में से दो सौ पैंतालीस हटाने पड़ेंगे अब जब वाई में से मैं दो सौ पैंतालीस हटाऊँगा यानी कि री अपोर्शनमेंट करूँगा मैं वाई की तो वाई ये कहता था कि भाई मेरे पैसों में से मेरे पैसों में से यानी कि दो सौ पैंतालीस का चालीस परसेंट आप ए में डालना डाल दिया दो सौ पैंतालीस का बीस परसेंट आप बी में डालना डाल दिया दो सौ पैंतालीस का बीस परसेंट आप सी में डालना डाल दिया और दो सौ पैंतालीस का बीस परसेंट आप एक्स में डालना डाल दिया अब क्या हुआ अब वाइनल हो गया एक्स में फोर्टी नाइन आ गया लेकिन तुम ऑब्जर्व करोगे विदि पैसेज ऑफ टाइम एक्स और वाई की अमाउंट कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है तो अब वापस से यहाँ से फोर्टी नाइन माइनस किया ठीक है और क्या किया रीअपोर्शनमेंट ऑफ एक्स अच्छा किया क्या फोर्टी नाइन का फोर्टी नाइन का बीस परसेंट ए में चला गया फोर्टी नाइन का चालीस परसेंट बी में चला गया फोर्टी नाइन का तीस परसेंट सी में चला गया फोर्टी नाइन का दस परसेंट वाई में चला गया ठीक है अब यार जब अमाउंट आपके पास बहुत कम बच जाए यानी कि लेट से सिंगल डिजिट में अमाउंट्स आ जाए अब क्या करना होगा अब आप जो है ना, वो ये काम कर सकते हो कि जब आपको यूँ लगे कि मटीरियल ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट बच गया है यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.9 ही बच गया है सिर्फ और सिर्फ तो अब आप इस 4.9 को जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ना सिर्फ उसमें बांट दो अच्छा सर तो क्या हम जब बांटेंगे क्या हम जब बांटेंगे क्या हम जब बांटेंगे तो आपका कहने का यह मतलब है कि 4.9 का 40 परसेंट ए में 20 परसेंट बी में और 20 परसेंट सी में नहीं क्योंकि ऐसा करोगे ना तो 20 परसेंट रह जाएगा बटने से जो एक्स में जाना था तो हम क्या करेंगे जिन डिपार्टमेंट्स में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में हमें बांटना होता है ना उन डिपार्टमेंट्स का जो 40, 20 और 20 परसेंट है इसका रेशियो बना लेते हैं 40 परसेंट बीस परसेंट और 20 परसेंट का मतलब फोर टू 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 का रेशियो फोर टू 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 के रेशियो का मतलब ये कि 4.9 के कर दो आठ हिस्से 4.9 के कर दो आठ हिस्से 4.9 को आठ से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो चार से देखो फोर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट का मतलब फोर यानी कि अगर आठ हिस्से हों तो चार हिस्से ए में दो हिस्से बी में और दो हिस्से सी में जाने चाहिए तो आपने 4.9 को आठ से डिवाइड किया चार हिस्से ए में डाल दिए फिर आपने 4.9 को आठ से डिवाइड किया और दो हिस्से दो हिस्से बी में डाल दिए फिर आपने 4.9 को आठ से डिवाइड किया और दो हिस्से सी में डाल दिए ठीक है और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं डाला ऐसा अगर आप करते हो तो देखो आपका फाइनल आंसर क्या बनता है ये आपके फाइनल आंसर्स बन रहे हैं तकरीबन सिक्सटी Uh, जो है वो ए में सिक्सटी थाउजेंड एंड वन हंड्रेड तकरीबन बी में और सी uh, में जो है वो फोटी सिक्स थाउजेंड एंड टू हंड्रेड हम इसको अगर राउंड ऑफ कर दें ठीक है इसको अगर राउंड ऑफ कर दें आप इसको जो है वो मैनुअली जब सॉल्व करोगे ये एक्सेल की शीट चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करना तो ये वैल्यूज़ बनती है और एक्स और वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको निल करना होता है वो निल हो गया ये तरीका कहलाता है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये तरीका कहलाता है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अच्छा सवाल में बोला था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करो ये सवाल सर उस मेथड से क्या करेंगे देखो जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पर आएंगे तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड में हम दो इक्वेशंस बनाएंगे कैसे बनाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की एक इक्वेशन होगी अब जरा गौर से देखना ये इक्वेशन बेटा कैसे बनाई जाती है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की एक इक्वेशन होगी बेटा गौर से देखना ये इक्वेशन कैसे बनाई जाती है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है उसके अपने ओवर कितने थे सर्विस डिपार्टमेंट के एक्स के अपने ओवर थे से सोलह हज़ार पाँच सौ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के अपने ओवर हेट्स से सोलह हजार पाँच सौ तो आप लिखोगे एक्स इज़ इक्वल्स टू सोलह हजार पाँच सौ एक्स इज इक्वल्स टू सोलह हजार पाँच सौ प्लस प्लस सर प्लस क्या करेंगे देखो वाई वाई ये कहता था वाई ये कहता था कि मेरा बीस परसेंट एक्स में जाएगा वाई ये कहता था मेरा बीस परसेंट एक्स में जाएगा वाई ये कहता था मेरा बीस परसेंट एक्स में जाएगा तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के सोलह हजार पाँच सौ अपने और इसमें वाई के बीस परसेंट भी आने चाहिए ये इक्वेशन बनेगी दूसरी वाई की इक्वेशन बनेगी वाई यानी कि जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसके अपने खर्चे दस हज़ार और छः सौ वाई जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसके अपने खर्चे यानी कि दस हज़ार छः सौ प्लस प्लस सर प्लस क्या करेंगे देखो एक्स क्या कहता था एक्स कहता था कि मेरा दस परसेंट वाई में जाएगा एक्स क्या कहता था एक्स कहता था मेरा दस परसेंट वाई में जाएगा यानी कि टेन परसेंट ऑफ एक्स अब जब आप ये दो इक्वेशंस बना लोगे ना अपने पास तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और जिसने मैथ्स एक रीज़नेबल हद तक समझी हुई है तो उसको ये सॉल्व करना आता होगा बहरहाल दूसरे बच्चे मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं और दूसरी बात यह कि कैलकुलेटर पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं यानी कि पहली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो पॉइंट टू वाई सर ये कैसे लिखा एक्स ऐसे ही लिख दिया प्लस ट्वेंटी परसेंट वाई सीधे हाथ पर था उल्टे हाथ पर आएगा तो माइनस ट्वेंटी परसेंट वाई होगा और ट्वेंटी परसेंट पॉइंट टू होता है इज इक्वल टू सोलह हजार पाँच सौ और जो दूसरा इक्वेशन है उसमें जो सीधे हाथ पर प्लस टेन परसेंट एक्स है वो उल्टे हाथ पर आएगा तो माइनस जीरो पॉइंट वन एक्स हो जाएगा ठीक है उल्टे हाथ पर आया तो प्लस जो है वो माइनस हो गया माइनस टेन परसेंट या जीरो पॉइंट वन जीरो एक्स प्लस वाई ठीक है इज़ इक्वल्स टू दस हज़ार और छः सौ ये जो दो आपकी इक्वेशंस बन रही है ना या आप अगर कैलकुलेटर पर डाल दोगे या अगर आप कैलकुलेटर पर डाल दोगे कैलकुलेटर पर अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो एक्स और वाई के आंसर आ जाएंगे या आप मैनुअली सॉल्व कर लो ये पहली इक्वेजन या दूसरी इक्वेजन इसको कैलकुलेटर पर आपने डालना होता है इसी सिक्वेंस पर और ये अगर आपको नहीं आता आप क्लास पर मुझसे पूछ सकते हो या कैलकुलेटर पर थोड़ा सा अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे तो आराम से हो जाएगा अच्छा जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे अब सॉल्व करना तो मैं सिखा नहीं रहा लेकिन जब आप एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढोगे तो एक्स आ रहा होगा आपका उन्नीस हज़ार जब इसको आप सॉल्व करोगे और जो वाई होगा ना वो आपका आ रहा होगा बारह हज़ार पाँच सौ अब जब ये एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए आपके पास जब आपके पास ये एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे ऊपर वाला ही चार्ट बनाओगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्विस डिपार्टमेंट वाई और इनके पहले से जो मुझे वैल्यूज़ दी हुई थी वो क्या थी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है थर्टी एट थाउजेंड सोलह हज़ार पाँच सौ और दस हज़ार छः सौ लिख दिया सर अब क्या करेंगे अब देखो x की वैल्यू कितनी है सर उन्नीस हज़ार है तो x के नीचे लिखोगे माइनस उन्नीस हज़ार एक्स की वैल्यू कितनी है उन्नीस हज़ार तो आप x के नीचे जो है ना माइनस उन्नीस हज़ार लिखोगे सर है तो सोलह हज़ार पाँच सौ रुको ज़रा सब्र करो उन्नीस हज़ार माइनस कर दो नेगेटिव में आएगा ना आंसर आने दो उन्नीस हज़ार माइनस कर दो और सर फिर क्या करें फिर बेटा आप ये करो कि उन्नीस हज़ार यानी कि जो एक्स का आंसर था उसका सवाल के हिसाब से रेशो दिया हुआ था कि एक्स का बीस परसेंट ए में जाएगा तो इसका ट्वेंटी परसेंट लो और ए में डाल दो फिर आप उन्नीस हज़ार का उन्नीस हज़ार का सवाल के हिसाब से रेशो था कि चालीस परसेंट बी में जाएगा तो आप इसका चालीस परसेंट लो बी में डाल दो और फिर आप उन्नीस हज़ार का उन्नीस हज़ार का सवाल के हिसाब से तीस परसेंट सी जाएगा तो आप तीस परसेंट सी में डाल दो और उन्नीस हज़ार का उन्नीस हज़ार का दस परसेंट वाई में जाएगा आप वाई में डाल दो ठीक है अच्छा फिर वाई की वैल्यू कितनी आई थी सर बारह आई थी तो आप यहाँ पर माइनस बारह के नीचे लिखो और वाई क्या कहता था वाई ये कहता था कि 12,500 यानी कि मेरा 40 परसेंट ए में जाएगा तो 40 परसेंट इधर डाल दो फिर 12,500 का 20 परसेंट सवाल के हिसाब से बी में जाना था तो बी में डाल दो फिर 12,500 का सवाल के हिसाब से 20 परसेंट सी में जाना था सी में डाल दो और फिर 12,500 का सवाल के हिसाब से 20 परसेंट एक्स में जाना था एक्स तो में डाल दो अब जब आप इसको नेट ऑफ करोगे टोटल्स करोगे तो देखो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया ये आपके पास सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ऊपर वाला ही आंसर ये आपके पास सिक्सटी थाउजेंड वन हंड्रेड ऊपर वाला ही आंसर और ये आपके पास फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड सेम आंसर तो ये दो मेथड्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स और साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड और ये मेथड तब अप्लाई हो रहे होते हैं जब दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के लिए काम कर रहे हों आपको सवाल में कोई भी मेथड पूछ कर और वो सॉल्व करवा सकता है दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए जिस तरह से सवाल की रिक्वायरमेंट थी अपोशन कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेन्स मेथड इसी तरह से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का सवाल भी हो सकता है